HBN न्यूज, जो सच वही खबर। गिरिडीह जमुआ विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी श्याम देव हजरा ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि झारखंड में भाजपा सरकार से लोग त्रस्त है और ऐसे में जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हम पर भरोसा जताया और कहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे और जमुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम करें। सभी समुदाय के लोग आपके साथ हैं और श्याम देव हजरा ने नामांकन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर जन सैलाब निकालने का काम किया। इसके लिए प्रत्याशी श्याम देव हजरा ने भी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड से कृष्ण मुरारी तिवारी, सहयोगी रविंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा बागी होने का कारण है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी गांडे विधानसभा कार्यकर्ता था, उस सभी ने एक साथ बोले कि गांडे लोकल कैंडिडेट चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। और बाहरी कैंडिडेट देके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पर ठेस पहुँचा है। वहाँ के कार्यकर्ता गांडे विधानसभा कार्यकर्ताओं ने गांडे और बैंगाबाद सभी कार्यकर्ता करीब करीब न करीब 90% कार्यकर्ता आज में शामिल हो गए। आज हम लोग क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, रोड है, पुल है, पुलिया है, गरीबों का जिसे सहायता, जिस तरह के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुला जाए, महिला कॉलेज खुला जाए, हम लोग विकास के आगे ले जाएंगे और जो विकास से अधूरा उसको हम लोग पूरा करेंगे। गाँव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गाँव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर।